हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एमसी इंडिया ऑफिशियल आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देख लीजिएगा किस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लोग आपको क्वेश्चन देख कर अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जान जाते हैं हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने में। देखिए, आपको मैंने कल बताया था, लिखा था EJOTY। ये आपको याद रखना कितने कितने नंबर पे आता है। आपको पता है E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है और Y 25 नंबर पे आता है। इतना तो आपको याद हो गया होगा, आपको याद होगा हुआ होगा ना। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन कितने नंबर पे आता है, इतना तो हो गया। फिर आपको मैं ये आपको कितने नंबर पे आता है ये सब याद रखना चाहिए। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। ई यहाँ तो 5 तक तो सबको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ से, फिर याद रखिएगा यू कितने नंबर पे आता है। तो यू आपका आता है कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आपका आता है, तो 22 नंबर पे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो 23 नंबर पे। ठीक, एक्स कितने नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। और जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। आप पहले इतना इतना याद कर लीजिए। ठीक है, इतना याद हो जाएगा तो और इजीयर तरीका। एक चीज और याद आप रखिएगा, एम जो आता है वो 13 नंबर पे आता है और एन जो आता है वो आपको 14 नंबर पे आता है। इतना याद कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद कर लो, उसके बाद चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं। इतना से आप कर लीजिए तो आपको लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, सब याद हो जाएगा पर चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इतना अगर नोट करना तो आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का, देखिए क्या दिया हुआ है। ए है, तो ए का वैल्यू आपको पता है कि ए का वैल्यू आपको 1 होता है। ठीक है, अब आगे वाला क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, ए एन टी दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू 35 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 35, मतलब 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब 35 कैसे आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं। जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ ए कितने नंबर पे आता था आपका, 1 नंबर पे ए आता है। एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आपको मैंने बताया था एन आपका आएगा 14 नंबर पे। ठीक है, और टी कितने नंबर पे आता था, 20 नंबर पर टी आता है। क्या किया जाएगा इसमें, कि जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, क्या किया जाएगा कि 35 आएगा। तो आप लोग देखिएगा हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो हमका 35 आ जाएगा, 1 + 14 और +20 क्या है, उनका 35 आ जा रहा है, जोड़ने पे आ रहा है। तो जो अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है PAT, इसको भी हम लोग जोड़ के लाएंगे। लोग क्या करके लाएंगे, लोग हम लोग जोड़ के लाएंगे। तो जुड़िए, स्टार्ट कीजिए, जो यहाँ पे PAT दिया हुआ है जुड़िएगा, जितना आएगा वही हम लोग का, जितना का सम होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपको पता है P कितने नंबर पे आता है, बताइए P आपका कितने नंबर पे आता है। तो P देखिएगा आपका आता है P कितने नंबर पे आता है, 60 नंबर पे। और जोड़ना है सबको, तो ए कितने नंबर पे आता है, ये आपको पता है, ये आता है 1 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, तो टी आता है 20 नंबर पे। तो सबको जोड़ना है, देखिए यहाँ सबको जोड़ना है तब ना 35 पे आया। यहाँ सबको जो जोड़ने पे आएगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जोड़िए तो कितना होगा, जब जुड़िएगा तो पता है क्या हो जाएगा आपका, जो आएगा वो आएगा 37 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37 आंसर हो जाएगा। यही ऐसे हम लोग सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है, जिससे आपका डाउट और क्लियर होगा। चलिए इसको आप सोल्व कीजिए, आपको मिलता है 15 सेकेंड। ठीक, 15 सेकेंड आपको मिलता है। ऑप्शन चाहिए तो चलिए ऑप्शन ले लीजिए। आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए है 60, बी 55, सी 62, ठीक है, सॉरी सी 64, ठीक है, डी आपका हो जाएगा 62, ठीक है, और ये आपका नॉन ऑफ दिस। चलिए बनाइए जल्दी, पढ़ाई जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, सिर्फ वही पैटर्न फॉलो करना है अभी। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, जो जो दिया है वो लिख लीजिए। ठीक है, जो जो दिया हुआ वो हम लोग को लिख लेना है। लिखिए जो जो दिया हुआ है,
देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या दिया हुआ हम लोग का, देखिएगा ई दिया हुआ, ठीक है, ये यहाँ 5 दिया हुआ, आपको पता है कितने नंबर पे आता है, तो ये आपको पता है आपको 5 नंबर पे आता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, फिर एन लिखा हुआ है, टोटल कितना दिया होता है आपका, टोटल देखिएगा 46 दिया हुआ है। अब देखिए 46 कैसे आता है, चलिए हम बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया हुआ ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, ये कितने नंबर पे आता है, तो ये आपको पता है 5 नंबर पे आता है। भी कितने नंबर पे आता है, तो भी देखिएगा 22 नंबर पे आता है, फिर ये 5 नंबर पे आता है, हम लोग एम और एन मैंने बोला था ना, एम और एन, एक 13 नंबर पे आता है और एक 14 नंबर पे आता है, ये दोनों का बहुत यूज पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत दिया रहता है, ठीक है, एम और एन याद रखिएगा, एन आपको पता है 14 नंबर पे आता है। अब क्या किया जाए कि इतना आ जाएगा, एक चीज देखिएगा, जब सबको हम लोग जोड़ लेंगे लोग, 5 + 22 प्लस 5 प्लस 14, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखिएगा आपका 46 हो जा रहा है, हो जाएगा ना, जोड़ने पे आया है, जो ए वाला दिया है क्वेश्चन में जो पूछा है वो भी जोड़ने पे ही आएगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा इंटर दिया हुआ है, ई एन टी ई आर, अब पूछ रहा है क्या आएगा, ठीक है, तो सब कुछ सबका जो जो वैल्यू है जोड़ देंगे, ई आपको पता है 5 नंबर पे आता है, एन आपको पता है अभी अभी हम लोग देखा है, तो ए कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है, इसको भी ऐड कर लेंगे, फिर ई कितने नंबर पे आता है, ई देखिएगा 5 नंबर पे आता है, और आर कितने नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, सबको जोड़िए तो कितना हो रहा है, जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा ये लगभग सॉरी 62 होगा, ठीक है, देखिए ऑप्शन में 62 है, तो हाँ तो देखिए ऑप्शन डी में 62 है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऐसे हम लोग बना लेंगे लोग, इतना समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, इसको भी आप ट्राई कीजिए, इसके लिए भी आपको मिलता है 10 सेकेंड, इसको आप ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, और कैसे आया देख लीजिए, एड करके आया कि सम करके आया कि मल्टीप्लाई करके आया है, जैसे हम लोग जो ये वाला आ रहा है देखिएगा, 47 दिया हुआ, ठीक है, कैसे आ रहा है, एड करने पे आ रहा है, क्या करने पाएगा, और जैसे आएगा वैसे ये भी आएगा, ठीक है, और ये एड करने पे आ रहा है तो ये भी एड करने पाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पाएगा तो ये भी जो होगा वो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है, तो हम लोग को ये वाला पैटर्न देखना है कि ये वाला कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, इसी पे डिपेंड करता है आपका इसका आंसर, समझ में आया, जल्दी ट्राई कीजिए, ऑप्शन चाहिए आपको, चलिए ऑप्शन देते हैं, आपका ऑप्शन ये है 34, 30, 35 और D 40, चलिए आपको ऑप्शन भी मिल गया, आप ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले ये तो दिया हुआ आपको पता है एक नंबर पे आता है तो सही है, ठीक है, ये एक दिया हुआ था, ये एक नंबर पे आता है सही है, इतना तो आपका कंफर्म है, फिर क्या दिया हुआ आपका, एल दिया है, ओ दिया हुआ है, और टी दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है, अब पहले हम क्या करेंगे, इसका जो जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, एल कितना नंबर पे आता है आपको, देखिएगा एल आता है आपका 12 नंबर पर, ठीक है, वो आपको कितना नंबर पे आता है, वो आपका 15 नंबर पे आ रहा है, टी कितना नंबर पे आता है, तो आपका देखिएगा 20 नंबर पे आता है, तीनों को पहले जोड़ के देख लीजिए कितना आता है, तो देखिएगा तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे 12 12 + 15 + 20, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 47 आएगा, ये जोड़ने पे आ रहा है, तो जो हम लोग का एम ए टी दिया पूछा है, एम ए टी, ठीक है, ये भी हम लोग का जोड़ने पे आएगा, जो आंसर आएगा वो भी जोड़ने पे आएगा, चलिए जोड़िए, एम कितने नंबर पे आता है, तो एम देखिएगा आपका आता है, एम आपका आता है 30 नंबर पे, ठीक है, ये एक नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, टी देखिएगा आपका 20 नंबर पे आता है, तीनों को जोड़ दीजिए, 13 + 1 + 20, इसको जो जोड़िएगा वही आपका आंसर आएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो आप पता कितना आंसर आ जाएगा आपका, 34 आंसर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है, बिना परेशानी का, टाइम भी नहीं लगेगा आपके पास, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ज्यादा तो आपको कैलकुलेट करने में, अगर आपको याद हो गया वैल्यू, ठीक है, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, तो और ईजी हो जाएगा, तो सबसे पहले याद करने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसको बनाइए, चलिए इसके लिए आपको 10 सेकेंड, इस पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट बनाइए, ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से,
क्या करना है हम लोग को, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ एम दिया हुआ है, एम तो आपको पता है 13 नंबर पे आता है, तो इसमें तो कोई चेक करना है ही नहीं। आपको पता है एम 13 नंबर पे आता है, आपको तो एम और एन तो याद रहना चाहिए कि एम आता है आपका 13 नंबर पे और एन आता है आपका 14 नंबर पे, तो ये दो को तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। एम आपको पता है 13 नंबर आया, तो इसमें तो कोई झोल है नहीं। तो देखिए एम ए टी कितने नंबर पे आता है, क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 34। अब ये कैसे 34 आएगा आप चेक कीजिए, पर सबका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। एम कितने नंबर पे आता है, एम देखिएगा आपका 13 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है। जोड़ लेते हैं, पर जोड़ के चेक कर लेते हैं, तो 13 + 1 + 20 24 ही ना होगा, 34 ही ना होगा, सॉरी 34 ही ना होगा, तो जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है। ये सबको हम लोग जोड़ने पे आ रहा है 34, ठीक है, जोड़ने पे आ रहा है। तो जब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है पूछा है डब्ल्यू एक्स, ये भी हम लोग को जोड़ने पे आएगा, डब्ल्यू ए और एक्स, इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो डब्ल्यू कितना नंबर पे आता है, चलिए लिखिए ऊपर, लिखिए डब्ल्यू कितना नंबर पे आता है। देखिए डब्ल्यू हम लोग का आता है 23 नंबर पे आता है, ठीक है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है आपका, 23 नंबर पे आता है। ये आपको पता है, ये आपको 1 नंबर पे आता है, एक आपको पता होगा कितने नंबर पे आता है, तो एक आपको आता है 24 नंबर पे। अब सबको जोड़ दीजिए, 23 + 1 + 24, इसको जोड़िए कितना हो रहा है, जब आप इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 48 हो जाएगा, 23 + 1 = 24 और 24 = 48 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 48, यही तो निकलना था हमको। देखिए कितना इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन निमसेट में भी आया हुआ है, एमएससीटी एमसी में भी आया है, बहुत सारे एमसी एग्जाम में भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कीजिए। अभी हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आज इस टाइप के, जिससे आपको एक भी डाउट नहीं रहे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, इसको भी हम लोग सेम मेथड से बनाएंगे, ठीक है। एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या करना है एक बार ट्राई कीजिए ना। देखिए ई दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ, तो ई आपको पता है 5 नंबर पर आता ही है। देखिए ई 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर, ई तो शुरू का 5 और लास्ट का 5 याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत सारा यूजफुल होता है। फिर एम एन याद रखिएगा, ठीक है, एम 13 पे आता है, 14 पे आता है, और जो फिर ई याद रखिएगा, ई जे ओ ई जे ओ टी वाई, इतना याद रखिएगा, ये 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे वो आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। ये आपको पता है 5 नंबर पे आता है, ई 5 ही पे आता है ना जी, यहाँ चेक कर लीजिए, ई 5 ही पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे 5 ही नंबर पे आता है। अब दिया दी क्या हुआ है, देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है ए दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है। हम लोग निकालना किसका है, तो हम लोग निकालना, सॉरी, हम लोग को निकालना है इसका, ठीक है। तो चलिए पहले पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो ये आपको पता है कितना नंबर आता है, ये आपको आता है 1 नंबर पे, एम 13 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, एन कितने नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, और टी आपको पता है 20 नंबर पे आता है। हम सबसे पहले जोड़ के इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एड करके देखते हैं, ठीक है। एड करने के बाद मल्टीप्लाई होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बेस पे आता है, एड करने पे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे, ये दो पे सबसे ज्यादा तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एड करके चेक कर लेंगे, एड कीजिएगा तो कितना आएगा, मान लीजिए आप एड कीजिए यहाँ पे, कितना एड कीजिएगा, 1 + 13 + 5 + 14 + 4 + 13 + 5 + 14 + 20, एड कीजिए कितना आएगा, एड कीजिएगा तो आप देखिएगा क्या आएगा, एड कीजिए तो आप पाइएगा कि आपका 89 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 89 हो जाएगा, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो भी 89 आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका पूछा है, हम लोग पहले इसका लिख लेते हैं, लोग इसका हम लोग लिखेंगे, लोग कैसे लिखेंगे, लोग देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एस दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, ठीक है। इसी का पूछना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो पहले जो जो दिया वो लिख लेते हैं, एस कितने नंबर पे आपका आता है, तो एस देखिएगा आपका आता है कितने नंबर पे, चेक कीजिए, एस आपका आता है 90 नंबर पे आता है, ठीक है, एस आपका 90 होगा। प्लस ई कितने नंबर पे आता है, तो ई देखिएगा आपका 5 नंबर पे आता है। प्लस सी कितने नंबर पे आता है, तो सी देखिएगा 3 नंबर पे आता है। फिर प्लस करेंगे, आर कितने नंबर पे आता है, आर देखिएगा आपका कितने नंबर पे आता है, तो आर आपका आता है 18 नंबर पे। प्लस ई कितने नंबर पे आता है, ई आपका आता है 5 नंबर पे। फिर प्लस करेंगे, टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है आपका 20 नंबर पे। फिर
फिर ए कितने नंबर पाता था, ए देखिएगा आपका आता है 1 नंबर पे। आर कितने नंबर पाता है, 8 करना, ठीक है। आर कितने नंबर पाता है, आर आपको पता है 18 नंबर पाता है, और वाई आपको पता ही आता है 25 नंबर पे। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, जितना ऐड करके आइएगा उतना ही आएगा। चलिए ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, सबको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो ऐड कीजिए, जब आप ऐड कीजिएगा तो पाइएगा कितना आएगा, तो देखिएगा आपका ऐड करने पर हमको लग रहा है 114 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 114 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे लोग, ठीक है। बहुत ही आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। हाल ही में निमसेट में पूछा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको आपको बनाना है, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, ऑप्शन मिलेगा आपका, ऑप्शन ये रहेगा 25, 27, 30, नॉन ऑफ दी। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, सॉल्व कीजिए, बस 10 सेकेंड आपके लिए, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 10 सेकेंड इनफ है, मतलब इनफ है, इससे 1 सेकेंड भी आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपने इतना क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कर लिया है, इस हिसाब से आपको 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, पहले पहले क्या करना है, देखिए सबसे सिंपल क्या है सॉल्व करने का तरीका, जो दिया है उसको लिख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए एड पे, चेक कर लीजिए, ठीक है। एड करने पे उतना आ रहा है कि नहीं वैल्यू, पहले जो जो दिया हुआ लेटर उसके ऊपर जो जितना नंबर पाता है वो लिख लेंगे, उसके बाद एड करने पर चेक कर लीजिए कि उतना वैल्यू आता है कि नहीं, और एड करने पर जितना वैल्यू आ जाता है और सही हो जाता है, फिर जो हम लोग को निकालना है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो लिख लीजिए, उसको उसको एड कर लीजिए, एड करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो करना है, कितना सिंपल है आपको, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए मैं सोल्व करता हूँ, देखिए आपको ए दिया हुआ है, ए तो आपको पता है 1 नंबर पे आता है, तो इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, ये आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है भी एन, कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं, भी कितने नंबर पे आता है, तो भी आपको पता है भी आता है कितने नंबर पे, आपको 22 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, ए आपको पता है 1 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, आपको पता है एन आता है 14 नंबर पे, ठीक है। अब सबको जोड़ के चेक कर लीजिए कि उतना आ रहा है कि नहीं, देखिए 22 + 1 + 14 आपको 37 हो जाएगा। तो ये आपका डाटा करेक्ट है, जो ऊपर वाला दिया हुआ है डाटा आपका करेक्ट है, एड ही करने पे आ रहा है। जो अगला पूछेगा क्वेश्चन में एफ ए टी पूछा है वो भी एड ही करने पे आएगा, तो क्या दिया हुआ है देखिएगा, एफ ए टी क्या दिया हुआ है लिखिए, आपका दिया हुआ है एफ ए टी, यही ना दिया, पूछा है क्या होगा। तो एफ का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एफ 6 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है आपका, ई आता है 1 नंबर पे, ठीक है। आपका टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 27, यही तो आपका आंसर हो जाएगा 27। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ, तो देखिए हमारा ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग अभी 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर अगले दिन हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही, ठीक है। अभी एक और या 2 क्लास और चलेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक है। उसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरा फाइनल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए सोल्व करने का। अगला क्वेश्चन है, इफ सी इज इक्वल टू 3 एंड पी ओ एल आई एस इज इक्वल टू 79 एंड देन पी ओ आई एन टी ई आर, क्या होगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, ये बात आपका वैल्यू 2 ही दिया है, सी 3 नंबर पे आते थे, ये तो दे ही दिया है। चलिए इसका निकालिए, देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले सी दिया है, C 3 दिया हुआ है, ये तो आपको पता है सी 3 नंबर पे आता है, ये आपका करेक्ट है डाटा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है पी ओ एल आई एस और एच लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब सबका वैल्यू देख लीजिए, पी कितने नंबर पे आता है, तो पी आपका आता है 60 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है, तो आपका आता है 15 नंबर पे, एल कितने नंबर पे आता है, तो एल आपका आता है 12 नंबर पे, आई आपका आता है 9 नंबर पे, एस आता है आपका 19 नंबर पे और एच आता है आपका 8 नंबर पे। कितना दिया हुआ, 79 दिया हुआ। एड करके देख लीजिए सबका 79 आ रहा है कि नहीं, जब सबको हम एड करेंगे 16 + 15 + 12 + 9 + 19 + 8, तो ये आपको पता है 79 ही आएगा, ये एड करने पर आपको पता चल गया था। जो अगला क्वेश्चन ने पूछा है वो भी हम लोग क्या होगा, वो भी हम लोग एड करने पाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा है पी पूछा है, ओ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पूछा है क्या आएगा। तो हम सबको ऐड कर लेंगे लोग, क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे लोग, तो सबका वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। तो पी आपको पता है आता है 60 नंबर पे, कितना नंबर पे, 60 नंबर पे ऐड करेंगे।
वो आपको पता है 15 नंबर पे आता है तो इसको हम 15 लिख लेते हैं। आई आपको पता है 9 नंबर पे आता है तो इसको ऐड करते हैं, ठीक है। एन आपको पता है, एन आपको आता है 14 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद टी आपको पता ही होगा 20 नंबर पे आता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। फिर आपको ई पता होगा 5 नंबर पे आता है, ठीक। आर तो आपको आपको तो अब तक याद ही हो गया होगा, आर आपको आता है 18 नंबर पे। सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, सबको जो जोड़िएगा वही हम लोग का आंसर होगा। सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, ऐड कीजिए तो आपको आएगा 97 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, ज्यादा सोचना और घबराना नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, इफ ए इज इक्वल टू 1, ई एंड डी इज इक्वल टू 56, देन सी ए टी इज इक्वल टू व्हाट, यही हम लोग क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप जो दिया वो लिख लीजिए, आपको पता है ए ए दिया हुआ है 1, ये तो 1 नंबर पे आता है, आपको पता है तो सही है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, ठीक है। ये 56 कैसे आया है ये चेक कर लेना है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब एडिशन पे नहीं आया तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे चेक करेंगे, यही दो पे सबसे इस टाइप के क्वेश्चन बनता है, एडिशन नहीं तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए इस पे वैल्यू पुट कीजिए, था जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये कितने नंबर पे आता है, तो ये देखिएगा 1 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आपको पता है 14 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। एड करके पहले देखेंगे तो एड कीजिएगा तब तो इतना वैल्यू तो आएगा नहीं, तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा एक दूसरे से, देखिए कितना वैल्यू आएगा, तो 56 आ जा रहा है। तो पता चल गया कि क्या करने पे आ रहा था, आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है सी ए टी, ये भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो सी का वैल्यू कितना होता है आपका, सी का वैल्यू होता है 3, ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू होता है 1, और टी का वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 60, ठीक, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है सेम बेस पे है, ठीक है। जो हम लोग मल्टीप्लाई वाला बनाया है, ए वाला मल्टीप्लाई करके बनाए थे, ये भी जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो मल्टीप्लाई करके बनेगा, कहिएगा तो आपको मैं ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन ही दे देता हूँ, ठीक है। पहला हम लोग का ऑप्शन रहेगा 4000, सेकेंड ऑप्शन 4752, थर्ड ऑप्शन 4762, डी ऑप्शन 4782। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए, ये भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देते हैं आपको 15 सेकंड, 5 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी बनाइए, अभी तक तो आपसे सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए हम क्या चलते हैं, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। आपको पी पता है 16 दिया हुआ था, पी तो 16 नंबर पे आता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। पी 16 नंबर पे ही आता है, इतना पता है तो ये सही है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अगला पी यू टी दिया हुआ है, चलिए चेक करते हैं इसको, पी यू टी, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 7620 दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं कि कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखिए तो पी कितने नंबर पे आता है, पी आपको पता है 16 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है आपका 21 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। देखिए वैल्यू इतना बड़ा है कि तो जोड़ने पे तो आएगा नहीं, तो सीधे मल्टीप्लीकेशन पे आएगा। चल चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 16 इंटू 20 इंटू 22, तो चलिए देखिए कैसे होगा, हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 6722 आ जा रहा है। तो जो अगला क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई से ही बनाएंगे। तो देखिए वैल्यू लिखिए, क्या दिया हुआ, दिया हुआ है पी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो पी आपको पता है कितने नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, तो सी आपका आता है 3 नंबर पे, और के कितने नंबर पे आता है, जल्दी बताइए, के आता है आपका 11 नंबर पे, कितने नंबर पे, 11। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा,
आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 × 9 × 3 × 11, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका लगभग 2574, यही होगा। ठीक है, आपका आंसर यही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन देखिएगा बी ऑप्शन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भी देखिएगा, ये वाला भी मल्टीप्लाई वाला हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन पे बनेगा। ठीक है, जहां दिखे बड़ा नंबर तो समझ जाइए कि वो मल्टीप्लीकेशन पे है। ठीक है, बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई करके बना लीजिए लो। चलिए इसको बनाइए फिर से, इसको आप लोग देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ही सोल्व करता हूँ। ठीक है, आप बना लीजिएगा। अब दो तीन क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, लगभग चार क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये मैं बनाता हूँ, अगला क्वेश्चन भी बना देता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पी तो आपको पता है कितना नंबर पाता है, 60 नंबर पाता है, इसमें तो कोई झोल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, ये हमको लग रहा है एडिशन बेस पे है। ठीक है, आपको पता चल जाता है, क्वेश्चन ही देखिए 37 है। टी आपको पता है कितना नंबर पाता है, टी आपको 20 नंबर पाता है, ए आपका कितना नंबर पाता है, 1 नंबर पाता है, और पी कितना नंबर पाता है, पी आपका 60 नंबर पे है। जब सबको एड करेंगे तो 37 होगा, जब ये एड करने पे आ रहा है तो इसको भी एड करके हम लोग आंसर लाएंगे। तो क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, पी आई सी और के दिया, तो पी कितना नंबर पाता है, तो पी देखिएगा आपका कितना नंबर पाता है, तो पी आता है 60 नंबर पे। ठीक है, आई कितने नंबर पे आता है, तो आई 9 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, तो सी 3 नंबर पे आता है, और के है तो आपको पता ही है 11 नंबर पे आता हुआ, तो सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड कीजिए, ऐड करने पे कितना आएगा हम लोग का, ऐड कीजिए, ऐड करने पे कितना आएगा हम लोग का, चलिए ऐड करके बताइए। एड करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है, वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग जो देखेंगे वो है आपका एन इजिकल टू 14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, एन इजिकल टू 14 दिया हुआ है, ये भी मल्टीप्लीकेशन पे है। क्या चीज पे है, मल्टीप्लीकेशन बेस पे है, तो वैसे ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे। इसको मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। एन आपको पता है 14 दिया हुआ था, आपको पता है कि 40 नंबर पे ही आता है आपको, एम और एन तो हमेशा याद रहना चाहिए। एम कितने नंबर पे आता है, तो एम आपका 30 नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आपका 40 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें कोई झोला है नहीं, इसको हम लोग सही है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है एन ओ टी। ठीक है, तो एन आपको पता है, एन आपका आता है 14 नंबर पे, वो कितने नंबर पे आता है, वो आपका आता है 15 नंबर पे, और टी कितने नंबर पे आता था, टी आपका 20 नंबर पे। आई एन ओ टी का वैल्यू कितना दिया है, 4200 दिया। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 आएगा। जो अगला दिया हुआ है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। तो अगला क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एम दिया और ई दिया हुआ है, तो एन कितने नंबर पे आता है, एन आपको पता है, एन आता है 14 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे, एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है आपका 30 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे आता है, ई आपका आता है 5 नंबर पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो सोल्व कीजिएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका लगभग आंसर आएगा हम लोग का 910 आएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 910, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये आप लोग डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आपको चार क्वेश्चन लगभग होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ये भी क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चार क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, चार क्वेश्चन हो गया ना, 1 2 3, चार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन मिलेगा आपको सोल्व करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।